लेकिन बाबूजी ने तो फोन पर हमें ऐसा कोई रेड सिग्नल दिया नहीं। हाँ चोपड़ा साहब, भैया अगर ऐसी बात होती तो बाबूजी हमें जरूर बताते, फुल स्टॉप। उस बात तो तुसी लाग बकते आलमोस्ट सही कह रहे हो, और बाबूजी ऐसी बात तुम लोगों से क्यों छुपाएंगे हैं जी? वही तो चोपड़ा साहब, आप भी ना खामा खामे टेंशन दे रहे हैं। डॉट 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 डॉट। नहीं गोमुख, लेकिन फिर भी एक बार फोन करके बाबूजी से पूछ ही लेता हूँ मैं। हाँ ये सही है। हाँ हेलो बाबूजी, हरिओम। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो बाबू, नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। हेलो, काश गधे के बदले मेरी मोटी दीदी बाबा बन जाती, लेकिन वो तो लेडी है और एक लेडी बाबा नहीं भाभी बन सकती है जी। मिला नहीं चोपड़ा साहब। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा भस्म आश्रम बाबा भस्मदेव पार्ट 2 के रंग में रंग चुका है। रंगीला रे तेरे बदन में रंगा है हमा बदन, हो रंगीला रे। लाइव देख सकते हैं कि किस तरह बाबा ने इस पूरी दुनिया को एक आध्यात्मिक रंग में रंग लिया है। आइए सवाल पूछते हैं कुछ बाबा से। दुनिया बिल्ली है और ये बिल्ली आई 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 आई। बाबा कृपया हमारे प्रवचन टीवी के दर्शकों को अपना संदेश दीजिए। दोस्तों आप सभी लोग देखते रहो प्रवचन, बाकी सब बोल बच्चन। बाबा बाबा ये मेरा बेटा है, अभी तक अंगूठा चूसता है, पूरे 25 साल का हो गया इतना बड़ा। इसका अंगूठा कितने साल का हो गया मौसी? हाँ अंगूठा भी 25 का ही है, इसके साथ ही आया था। ये राम बाबा, ये इतना लंबा हो गया और अंगूठा छोटा सा रह गया। बाबा इसकी अंगूठा चूसने की आदत छूटी नहीं रही है, सारे पीर फकीर देख लिए लेकिन सभी ने अंगूठा दिखा दिया। बाबा अब आप ही बाकी बचे हैं, आप ही कुछ कीजिए बाबा, आपकी बड़ी कृपा है। हम कुछ करेंगे पर क्या करेंगे? अपना अंगूठा लाओ। हम नहीं देंगे। What the hell? बाबा बाबा आपकी बड़ी कृपा है, बाबा आपकी बड़ी दया है, मेरा बेटा ठीक हो गया बाबा। प्रणाम बाबा। बाबा बाबा कुछ करो इनका, जब से शादी करके आई हूँ तब से इनकी गर्दन टेढ़ी है। जरा यहाँ पे आना। हे राम, तुमने हमेशा इनसे टेढ़े मुंह से बात की होगी ना भैया? सॉरी।
सही हो गई ना बाबा? इनकी तो सीधी हो गई, मेरी टेढ़ी हो गई, कुछ करो बाबा। चिंता मत करो, हम इनकी भी सीधी कर देंगे। बाद में करेंगे। बाबा, मेरे घर में जो टीवी है ना, उसका रिकेप्शन क्लियर नहीं आता। अरे भाई साहब, आपका टीवी ही खराब होगा, इसको मतलब बाबा क्या करेंगे? अरे बाबा ने हिमालय पर्वत पे तप किया है, कोई टीवी रिपेयरिंग का कोर्स थोड़ी ना किया है। नहीं नहीं, हम इनका टीवी भी सही करेंगे। इस टीवी को ले जाके ना गाड़ देना मिट्टी में, रोज पानी देना, देखना बहुत सारे टीवी निकलेंगे। जी बाबा जी। बोलो बाबा भसमदेव पार्ट टू की। हरिओम 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 हरिओम। आइए महाराज, आइए। मैं बहन श्री। और मैं बहन देवी। नमस्ते। आप श्री और मैं केसरी, केसरी महाराज, और ये राधे महाराज। और ये कौन है? दिखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, केश काले और दाढ़ी ब्राउन। डियर सिस्टर्स, मैं बाबा कपी कैपेचिनो है, कपी कैपेचिनो। बाबा कैपेचिनो? Yeah, ये अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के लोग इन्हें बाबा कैपेचिनो ही कहते हैं, क्योंकि इन्हें कैपेचिनो कॉफी पीने का बहुत शौक है। Yeah, विदेश में रहने के कारणवश इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता, और कॉफी के कारण इनकी दाढ़ी ब्राउन है। मेरा मतलब है, ये जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वो क्या है ना कि हम भी इस भस्माश्रम की तरह विदेश में भी एक आश्रम खोलना चाहता है। अमेरिका में हमने इसकी इतनी तारीफ सुनी, इतनी तारीफ सुनी कि हमसे रहा नहीं गया। फिर क्या था, तारीफ सुन के हो गई मेरी टेंशन टाइट, पकड़ के आ गए टाइट। भस्माश्रम में आपका स्वागत है। अब हम आश्रम में जाके बाबा भस्मदेव पाठू का प्रवचन सुनना चाहता है। कृपया पहले अपने चेहरे पर भस्म लगा लीजिए। श्री देवी की बहनों, आप खुद ही लगा दीजिए। Yeah! हम श्री देवी की बहने नहीं, श्री देवी बहने हैं। ये श्री और मैं देवी। अरे बात तो आपकी सही है, बिल्कुल सही है। भक्तो, हमको ना नींद आ रही है, नींद। अब हम विश्राम करेंगे, विश्राम सावधान। हमको जोर से निन्नी आ रही है। विश्राम सावधान? बाबा का कहने का मतलब है, जब तक वो विश्राम करेंगे, आप सावधान रहिए, ताकि कोई उन्हें परेशान ना करे। हरिओम 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 हरिओम। बाबूजी, टेंशन हो रही है टाइट, गधा स्लीपिंग टाइट। बात तो तेरी सही है बेटा। बोलो बाबा भसमदेव पार्ट टू की। महाराज, लगता है आप प्रवचन में अभी अभी आए हैं। जी महाराज। बाबा हमें एक अद्भुत मंत्र दे चुके हैं, आप भी वही बोलिए। अद्भुत मंत्र? जी महाराज, ऐसा मंत्र आपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा। क्या है बाबा? बोलो बाबा भस्मदेव पार्ट टू की।
हरिओम हरिओम। बाबा बात तो आपकी सही है, ये ही जीवन में पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं। आपका क्या ख्याल है बाबा कैपुचिनो जी? ये ही मेरे कानों में भी कभी नहीं सुना, दिस डिफरेंट थिंग। हम धर्म गुरु हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप धर्म के गुरु हैं? नहीं नहीं, हम भस्म आश्रम के संचालक हैं। मेरा नाम धर्म है और मैं हूँ गुरु। ओह बाबा कैपुचिनो, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए, वन मिनट, मैं आपके लिए चेयर मंगाता हूँ। मैं आपके लिए चाय कॉफी कुछ मंगाऊं? थोड़ी ही देर में बाबा भस्मदेव पार्ट टू जाग जाएंगे और फिर से प्रवचन शुरू करेंगे। श्री देवी बता रही थी कि आप भस्म आश्रम जैसा विदेश में कुछ खोलना चाहते हैं। जी जी जी, बाबा कैपुचिनो के बाद धन की कोई कमी नहीं है। दे धना धन। हमारे गुरुदेव बाबा मुकेश कहा करते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन मैं यही गीत गाता रहूं। तन मन धन सब है तेरा। वो क्या है ना कि मैं अमेरिका में एक भस्माश्रम खोलना चाहता है लाइक दिस, और उसका नाम रखेगा ऐश आश्रम। हरिओम हरिओम। ऐश आश्रम, वाओ कूल कूल। यस बाबा कैपुचिनो, ये नाम ऐश आश्रम थोड़ा सा आपत्तिजनक है। बाबा केसरी, भस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐश। This is ash. So therefore, Bhasmashram in America will be ash ashram. You got it, man? बात तो आपकी सही है बाबा कैपुचिनो। आप बैठिए, अभी प्रवचन का समय शुरू हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या कुछ धन्य हुए। भक्तों, अब ब्रेक के बाद हम आपको दूसरा ज्ञान सुनाएंगे। ध्यान लगा के ध्यान से सुनना, ठीक है? हमारे बाबूजी कहते मम्मी। बाबूजी कहते हैं मम्मी। बाबा, आपके बाबूजी और माताजी जीवित हैं? जीवित हैं? वो क्या है कि बाबा अपने गुरुजी को माता पिता की तरह मानते हैं, इसलिए अपने गुरुजी को मम्मी बाबूजी कह रहे हैं। काका, बाबूजी इज माय टीचर, माय टीचर इज बाबूजी। बाबा, आप अपने गुरुजी को बाबूजी कहते हैं? हरिओम हरिओम। बाबा ये सुनकर मन प्रसन्न हो गया। आप एक बार अपने गुरुजी को बाबूजी कहकर पुकारिए ना। पुकारे? हाँ महाराज जी कह रहे हैं तो बुलाइए, और भक्तों को अपने बाबूजी का ज्ञान दीजिए। ठीक है, हमारे बाबूजी कहते हैं कि कर्म करो, जल की चिंता मत करो। जल नहीं बाबा, फल, फल की चिंता मत करो। हम आपको चेक कर रहे थे, आपका ध्यान ना खान पान पे ज्यादा है। आप चुपचाप ध्यान से ध्यान पे ध्यान दीजिए, वरना आपको हम यहाँ से अंतर ध्यान कर देंगे। क्षमा क्षमा बाबा, गलती हो गई, क्षमा। भक्तों, हमारे बाबूजी कहते हैं जल मिले या फल, हमको सिर्फ कर्म करना चाहिए। बस आप सब लोग कर्म करते जाओ,
अपने आप फल मिल जाएगा। जिसने भी की शर्म उसके फूटे करम। बाबूजी, हम लोग गधा प्रसाद की ये ज्ञान की बेतुकी बातें कब तक सुनते रहेंगे? कुछ करेंगे भी? बाबूजी, हम लोग यहाँ तो गए हैं, लेकिन अब करें क्या? ये सभी लोग गधे के भक्त बन चुके हैं बाबूजी। गधा प्रसाद ने हम लोगों को पहचान लिया तो ये धर्म गुरु हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगर हमने सबके सामने गधा प्रसाद को साबित कर दिया कि वो हमारा ही गधा प्रसाद है तो ये भक्त लोग गधा प्रसाद को नहीं छोड़ेंगे बाबूजी। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी, दोनों सूरतों में नुकसान हमारा ही होगा। बात तेरी भी सही है बेटा, लेकिन क्या है, नदी के पास जाने भर से ही नदी पार नहीं होती, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। अब अगर डूबना ही है तो कम से कम तैरने की कोशिश तो करनी चाहिए। बेटा, तू इशारों इशारों में गधे को समझाने की कोशिश कर। अब हमारा अगला ज्ञान। बाबा प्लीज वेट। हम आपके ज्ञान से बहुत इम्प्रेस्ड है, इसलिए हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है। ले लो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आशीर्वाद ही लेंगे हमारा क्या जाएगा। बाबा, ये बाबा कैपुचिनो हैं। कौन सी चीनी है? नो, बाबा कैपी, कैपी, कैपुचिनो, कैपी, या। एक्चुअली हम अमेरिका से आया है ना, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में बात करेगा। बाबा एक्चुअली मेरी टेंशन है टाइट, इसलिए आपसे आशीर्वाद चाहता है। टेंशन इज टाइट, कटने वाली है हमारी काइट। टेंशन इज टाइट, टेंशन टाइट, टेंशन टाइट। आपको आंख मारते हुए शर्म नहीं आ रही है? पर आपको पता है आपकी आवाज ना हमारे कपी भैया से बहुत मिलती है। आपकी आवाज ना हमारे कपी भैया से बहुत मिलती है। आप उनकी तरह बातें भी करते हैं और आपका नाम भी उनके जैसा है। कपी भैया, इसलिए ना हम इनको आशीर्वाद देंगे। सर झुका लो और झुकाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये तो हमें पहचान ही नहीं पा रहा। हरिओम हरिओम, पता नहीं इसकी गधापंती कब खत्म होगी। मैं कोशिश करता हूँ। बाबा भस्मदेव, क्षमा कीजिए, मुझसे अभी अभी आपके ज्ञान को ध्यान से न सुनने की गुस्ताखी हो गई है। मैं आपके पास आकर आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ बाबा। आ जाओ बाबा। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, क्षमा। हमारे बाबूजी कहते हैं जो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं ना, उनको माफ कर देना चाहिए, माफ। अबे कटे, अबे मुझे पहचान, मैं हूँ, मैं था, मैं रहूंगा, मैं हूँ। इस मैंने कई जिंदगी खराब कर दी भैया, कई जिंदगी। आज तक इसमें से कोई निकल नहीं पाया। हमारी बकरी को ही देख लो, आज तक मैं ही करती रह गई और अकेली रह गई। खुबे कधे मुझे पहचान बेटा, मुझे पहचान, वरना यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा तू।